जनाब वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की शख्सियत से आज पूरी तरह वाकिफ हैं। दुनिया भर की मुखालफत और प्रेशर के बावजूद वजीर आजम ने जिस बहादुरी, जमा मर्जी और मुहब्बुल वतनी का सबूत दिया है, मौजूदा तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। आपके इस जवा मर्द और बहादुर वजीर आजम ने पाकिस्तान को नहायत मुख्तसर अरसे में एक मिसाइल और एटमी कुव्वत बनाकर इलाके अल्लामा का ख्वाब पूरा कर दिखाया है। ये मुल्क जनाब वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ का तामत ममनून और एहसान मंद रहेगा। आपको शायद इल्म न हो कि मिसाइल गौरी मिसाइल की फायरिंग से पेशतर और बाद में 28 मई को एटमी धमाकों से पेशतर दुनिया भर का के लीडरों की तरफ से और दुनिया भर के ममालिक की तरफ से वजीर आजम पर जो प्रेशर डाला गया था और अंदरून मुल्क भी बहुत से ऐसे लोग थे जो वजीर आजम को ये मशवरा दे रहे थे कि आप ना ही मिसाइल फायर करें और ना ही एटमी धमाके करें, इससे दूसरे ममालिक जो हम पर पाबंदी आयद कर देंगे और ये कि अगर हम एटमी धमाके न करें या मिसाइल फायर न करें तो तमाम दुनिया जो हमसे खुश रहेगी और किसी किस्म की पाबंदियां आयद न होंगी। तो वजीर आजम ने इन तमाम बातों को सुनकर मुल्क की सलामती, मुल्क की बेहतरी और मुल्क के मफाद में ये जरूरतमंद ने फैसले किए कि न सिर्फ हम मिसाइल फायर करेंगे बल्कि एटमी धमाके भी करेंगे। मैं आप सब से ये दरख्वास्त करूंगा कि इस वक्त मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है उनमें हमें चंद मुश्किल का सामना करना पड़ा है, आप वजीर आलम का हाथ बटाइए, मुल्क की मदद कीजिए और इस मुश्किल दौर में जो कि बहुत ही मुख्तसर अरसे के लिए है, वजीर आजम की मदद कीजिए, इस मुल्क की मदद कीजिए और इंशाल्लाह हम इन मुश्किलात पर जल्दी काबू पा लेंगे और आप पाकिस्तान को एक मजबूत, ताकतवर और खुशहाल मुल्क की हैसियत से देख सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।